गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर आई हैड एक्सप्लेन चैप्टर 4 केयरिंग एंड शेयरिंग एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देयर एक्सरसाइजेस। आज उसके एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करूंगी। जिसने कर लिया है दैट्स वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लें। और एक्सरसाइजेस आपको बुक में ही करनी है, कॉपी में नहीं करनी है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। फर्स्ट वन इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। देयर लिव्ड अ बॉय इन अ, एक लड़का रहता था। कहाँ रहता था, स्लम में, सिटी में या विलेज में? तो कहाँ रहता था, स्लम में रहता था ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्लम फर्स्ट ए। सेकंड नंबर, मिस्टर शर्मास डॉटर वॉज, मिस्टर शर्मा की डॉटर थी कौन थी, शालिनी, नलिनी या मालिनी? शी वॉज नलिनी, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, नलिनी। रानी वॉज राजूज एल्डर, रानी राजू की बड़ी क्या थी? देखो यहाँ पे एल्डर की स्पेलिंग सही लिखी है, वहां गलत लिखी थी। ब्रदर मदर या सिस्टर? शी वॉज His sister. तो यहाँ पे हम क्या करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे, सिस्टर पे। फोर्थ नंबर, व्हेन रानी वेंट होम नलिनी गेव हर, जब रानी वापस घर गई तो जा रही थी तो उसने नलिनी ने उसको क्या दिया था, अ डॉल, अ टेडी बियर या बोथ? बोथ मीन्स होता है दोनों, तो क्या दिया था, दोनों चीज दिया था ना उसने, डॉल भी दिया था टेडी बियर भी दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, बोथ। फाइव नंबर, मिस्टर शर्मा टुक रानी एंड राजू टू द लोकल, मिस्टर शर्मा रानी और राजू को लोकल क्या ले गए थे, लोकल मार्केट में ले गए थे, स्कूल या हॉस्पिटल? तो स्कूल ले गए थे, है ना। करेक्ट ऑप्शन होगा स्कूल। बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं हमें फिलअप करना है, बुक्स, काइंडनेस, प्राइमरी, पुअर, वर्किंग। तो फर्स्ट वन इज राजूज पेरेंट्स वर, राजू के पेरेंट थे क्या थे, दे वर पुअर, पुअर थे ना। फर्स्ट में क्या फील होगा, पुअर। सेकंड नंबर, मिस्टर शर्मा पुट रानी एंड राजू इन द डैश स्कूल इन द लोकेलिटी, उन्होंने डाला था रानी और राजू को कहाँ, प्राइमरी स्कूल में डाला था ना। तो सेकंड में हम क्या फील करेंगे, प्राइमरी। थर्ड नंबर, नलिनी गेव रानी एंड राजू हर ओल्ड, नलिनी ने रानी और राजू को अपनी पुरानी क्या दी थी, बुक्स दी थी। तो क्या फील होगा इसमें, नलिनी गेव रानी एंड राजू हर ओल्ड बुक्स। फोर्थ नंबर, राजू एंड रानीज पेरेंट्स थैंक्ड द शर्मास फॉर देयर, रानी और राजू के पेरेंट ने शर्मा को थैंक किया उनकी किस चीज के लिए, उनकी काइंडनेस के लिए, दयालुता के लिए ना। तो फोर्थ में क्या फील होगा, काइंडनेस। फाइव नंबर, रानी एंड राजू नाउ स्टॉप्ड, रानी और राजू ने अब बंद कर दिया था, क्या बंद कर दिया था, अब वो काम करना बंद कर दिए थे ना। तो रानी एंड राजू नाउ स्टॉप्ड वर्किंग। सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स है वो तो मैं आपको सेंड करूंगी ही। हु वाज राजू, राजू कौन था, राजू वाज अ पुअर बॉय ना, आपको लिखा होगा फर्स्ट पेज पे ही है, राजू इज लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में वाज लिखा है, तो आप आंसर में वाज लिखोगे, राजू वाज अ पुअर बॉय। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, राजू वॉज 8 years पुअर बॉय, नहीं आप ऐसे लिखे सिर्फ राजू वॉज अ पुअर बॉय। वॉट वर्क डिड रानी डू, रानी ने क्या काम किया, रानी ने क्या काम किया, कौन से काम किए रानी ने, कपड़े धोए, बर्तन धुले और फर्श पे पोछा लगाया। तो रानी वॉश्ड देयर यूटेंसिल्स, स्वेप्ट द फ्लोर एंड वॉश्ड देयर क्लोथ्स। वॉट वर्क डिड राजू डू, राजू ने क्या काम किया, क्या काम किया उसने, पॉलिश, शूज पॉलिश करने का वो काम करता था ना। वैसे क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा इसमें लिखा है कि वॉट वर्क डिड रानी डू, इसका मतलब होता है कि रानी ने क्या काम किया। क्वेश्चन तो होना चाहिए था कि रानी क्या काम करती है, चलिए जो भी है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे, या रानी क्या काम करती थी, ये होना चाहिए था, चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो राजू क्या काम करता था, राजू पॉलिश्ड द शूज ऑफ ऑफिस गोअर्स, तो ऑफिस गोअर्स जो ऑफिस जाने वाले लोगों के शूज पॉलिश किया करता था। व्हाई डज नलिनी कॉल रानी वन डे, एक दिन नलिनी ने रानी को क्यों बुलाया, खेलने के लिए बुलाया था ना। तो नलिनी कॉल्स रानी वन डे टू प्ले विथ हर। फाइव नंबर, वेयर डू द शर्मास टेक रानी एंड राजू, शर्मास रानी और राजू को कहाँ लेकर गए थे, तो द शर्मास टेक रानी एंड राजू टू द जू, जू ले गए थे।
हु पुट्स रानी एंड राजू इन टू द स्कूल? रानी और राजू को स्कूल में कौन डाला था? मिस्टर शर्मा ने डाला था ना उनको स्कूल में, तो मिस्टर शर्मा पुट्स रानी एंड राजू इन टू द स्कूल। नेक्स्ट आते हैं वर्ड पावर पे। राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसके आपको प्लूरल लिखना ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद से करना है, बहुत ईजी है। बॉय का बॉय, सिस्टर का सिस्टर, सिंगुलर प्लूरल है। बी नंबर, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। इसमें अपोजिट लिखना है यानी उल्टा। सिस्टर का ब्रदर, फादर का मदर, इसका आप उल्टा अपोजिट लिखना है, ये भी आप खुद से करोगे। सी नंबर, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द इन योर ओन सेंटेंसेस। देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हुए इनके आपके सेंटेंसेस बनाना है, लेकिन आपको अपने वर्डिंग्स में बनाना है, बुक का नहीं लिखना है, बुक के सेंटेंसेस नहीं लिखे, आपको अपने सेंटेंसेस में लिखना है। एल्डर, ऑफिस, पुअर, एनिमल्स, फ्रूट्स। इट्स बहुत इजी है, बहुत इजी, आप कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 30 पे। फाइंड आउट द नाउन्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट। इसमें क्या करना है, आपको नाउन्स ढूंढना है। देखिए नाउन चैप्टर आप पढ़ चुके हो, आई थिंक पढ़ चुके हो। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, या किसी जानवर का नाम, या किसी वस्तु का नाम क्या होता है? नाउन। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सारे नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहा जाता है। अ बॉय लिव्ड इन अ स्लम। देखो स्लम भी एक जगह हो गई, और बॉय भी आपका हो गया ना एक पर्सन, इंसान ही तो है, लड़के का हुआ, लड़के को बोलते हैं बॉय, नाम हुआ, भले कॉमन नाउन है लेकिन नाउन तो है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक, दिस इज योर होमवर्क।